तो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। हिंदी फिल्मों में कॉमेडी को एक नए अंदाज में पेश करने वाले जॉनी वॉकर अब फिल्मों से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वे आज की विकृत कॉमेडी से बेखबर नहीं हैं। इंदौर के लोग इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि जॉनी वॉकर की कॉमेडी ने मालवा की धरती में ही आकार लिया था। मैं भाई इंदौर का हूँ, वहीं पैदा हुआ, पढ़ाई भी मेरी वहीं शुरू हुई थी, लेकिन फादर का वहाँ से अचानक नौकरी, वो इंदौर मालवा मिल में थे, वो नौकरी उनकी चली गई, ये टेक्सटाइल मिल इंदौर में, फिर वहाँ नौकरी मिलना ज़रा मुश्किल था, तो इसलिए हम लोग इंदौर छोड़ के 1939 में चले आए थे। वहाँ छावनी में एक गुलर शावली की दरगाह है, तो दरगाह पे हम लोग जाते थे, तो वहाँ छोटे थे तो मैं ये दुआ करता था कि भाई कोई सूरत से फादर को वहाँ जाने को मिले बॉम्बे, तो मेरा काम हो सकता है। तो हो सकता है इसी वजह से शायद फादर की नौकरी चली गई और फादर को मजबूरन बॉम्बे आना पड़ गया। मुझे फ़ख्र है कि भाई मैं इंदौर का हूँ, और हमेशा हर जगह में सबको मालूम है पूरी दुनिया में कि मैं इंदौर से ही मेरा ताल्लुक है। अभिनय के लिए दीवानापन तो जॉनी वॉकर में बचपन से ही था, लेकिन वे अपनी पहचान कुछ अलग ढंग की बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें कॉमेडी का क्षेत्र ही बेहतर लगा। मेरे को शुरू से ही कॉमेडी का बचपन से ही शौक था, और मैं कॉमेडी ही चाहता था कि मैं इसमें करूं। और पहले पुराने एक आर्टिस्ट थे नूर मोहम्मद चार्ली, उनका मैं बहुत ज़बरदस्त फैन था, उनकी स्टाइल भी मैंने अपनाई थी, और वो चाहता था मैं, क्योंकि वो ज़्यादातर एक्सटेम्पर बहुत बोलते थे, तो मेरे में भी एक्सटेम्पर बोलने की बहुत ज़्यादा वो थी सराहियत, इसलिए मुझे कोई तकलीफ लिखा हुआ सीन नहीं भी हो तो मैं अपनी तरफ से उसको ज़्यादा सही करके और अच्छा कर लेता था। तो गुरुदत्त जी तो एक असिस्टेंट रखते थे मेरे लिए कि भाई ये कौन सी रिहर्सल में क्या बोलता है ये सब लिखो, चूँकि पहले वो टेप रिकॉर्डर तो होता नहीं था कि भाई लिख ले, वो अपने चालू किया और सब ठीक हो जाएगा, तो वो लिख लेता था, तो उसके वास्ते मेरे को वो बोलते थे कि भाई ये तुम ये जो बोला था तुमने तीसरी रिहर्सल में बहुत अच्छा था, यही बोलो। मैं दिखने में तैयार जरूर हूँ, लेकिन मिजाज से बहुत ही नाजुक हूँ, बहुत जल्द धड़कता है, फड़कता है ये दिले कमजोर, जिसे हम शायर लोग दिले नास्ता। पर आज की कॉमेडी के स्तर में आई गिरावट से वे खिन हैं। मैंने तो 85 से काम बंद ही कर दिया इसी वजह से कि भाई मैं ये डबल मीनिंग और कोई इस टाइप के उल्टे सीधे डायलॉग में बोलना पसंद नहीं करता, और आजकल वो स्टाइल चली हुई थी, आजकल लोग यही इस टाइप से या तो बुलवाते हैं या लोग सुनना चाहते हैं, क्या वजह इसकी मुझे पता नहीं है, लेकिन यही स्टाइल चल रही है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने काम बंद कर दिया। परिक्रमा के तहत दस्तक का ये दूसरा अंक आपको कैसा लगा, इस पर आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। समय समय पर चुने गए पत्रों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा पता है